बास्को में अनियमित पेयजल आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने सरपंच से सुचारू पेयजल आपूर्ति की मांग की। बास्को जयपुर सांसद कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर सरपंच सुमन शर्मा को अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि बास्को कस्बे में इन दिनों जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन में एक दिन पानी आता है, वह भी सुचारू रूप से नहीं आता। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अपनी पानी की समस्या के बारे में कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरपंच सुमन शर्मा के घर जाकर भी पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया और कहा कि करीब 3-4 दिन से कोई अज्ञात व्यक्ति रात को टंकी के वॉल खोल देते हैं, जिससे दूसरे मोहल्ले में पानी चला जाता है। इस बारे में कर्मचारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राजेश महंत के द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को पानी की समस्या के बारे में ग्रामीणों की ओर से कई बार अवगत करवाया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा मौके पर जाकर पानी की सप्लाई चालू करवाई। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। इस दौरान कोली मोहल्ला, धनाके मोहल्ले व आसपास के लोगों ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट्स AN247 न्यूज़ राजस्थान।